I know कि आप पहले आए थे और फिर थोड़े बहुत famous भी हुए थे. And then आपने अपना काम शुरू किया. And धीरे धीरे वो चला जाता है. सबकी लाइफ में होता है ऐसे कि जैसे मेरी बात ले लो तो पर्सनली मैं कहूँगा कि यस, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, फिर एक फिल्म बनाता हूँ वो बहुत अच्छी चल जाती है, फिर और पावर आता है, फिर दूसरी बनाता हूँ वो भी चल जाती है, तीसरी बनाता हूँ वो भी चल जाती है, चौथे में जाके कहीं वो फिर रुक जाता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होता है. लेकिन फिर वापस आना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, कि आप वापस कैसे आते हो. और वो जो जर्नी है वो बेस्ट होती है जो आपके साथ हुई है. ये आपका वापस आना है. तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा. जैसे मेरा ऑडिशन और मेगा जैसे टेलीकास्ट हुआ, हर दिन मुझे कॉल आ रहे तेरे इवेंट्स के लिए और वर्कशॉप के लिए, डांस सीखने के लिए. तो वो मेरे लिए बहुत क्रेजी सीन सा हो गया. अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा दिन भी आएगा. ऑफ कोर्स अब जब आप इस शो में आगे बढ़ोगे और पॉपुलर होंगे तो आपके क्लासेस चालू हो जाएंगे. क्लासेस चालू होंगे तो स्टूडेंट आने लगेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि आपका पहला स्टूडेंट मैं बनूँ. व्हाट? भी सीख लेता हूं. सर ड्रीम लग रहा है क्योंकि आपको देख के सीखा है और आप ही कह रहे हो मुझसे सीख रहा है. यूजली हमारे इंडस्ट्री की प्रथा है कि जब भी आपको कोई डांस कराता है और हमारे डांस जो भी कोरियोग्राफर्स होते हैं हमारे इंडस्ट्री के, उन्हें हम प्यार से मास्टर जी बुलाते हैं. तो आज से अक्षय है हमारा मास्टर जी. क्या बात है. अब कब अक्षय मास्टर जी? बिल्कुल, अब से यही नाम से पुकारना पड़ेगा. हाँ छोड़ा क्लेम के ओके लेट्स गो. Come on, guys.
अभी तक तो शो आगे बढ़ चुका है, ऑडिशंस हो गए, मेगा ऑडिशंस हो गए. आपके पेरेंट्स ने देखे होंगे ना एपिसोड्स? यस मैम, देखे. उनको ये जोड़ी जस्ट फ्रेंड्स कैसा लगा? उनको बहुत अच्छा लगा. नॉर्बू? हाँ, जब मेरी मम्मी को नॉर्बू से मिला ना तो मिले. आपकी मम्मी इनको मिली है? अरे बाप रे, फैमिली मिल गई. अरे बधाई हो. नॉर्बू कैसे मिले? सुष्मिता की फैमिली हमारे घर में आए थे. एक सेकंड, फिर क्या हुआ? बात किया. पक्की भी हो गई बात? बात जस्ट नॉर्मल बात हुआ कि कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे. फिर धीरे धीरे मतलब हम लोग ने फिर अब मतलब चाय नाश्ता करा साथ में. लेकिन मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कोई प्रूफ हो. प्रूफ है? नहीं है ना. खत्म है. प्रूफ है? है. उसने मुझे फोटोज भी दिखाए. फोटोज? तो चैलेंजेड. और भी है फोटोज? और है. और क्या है? नॉर्बू की बा और कौन सी सुष्मिता की बा? सुष्मिता मेरी मम्मी के साथ है और मैं सुष्मिता की मम्मी के साथ हूँ. आप लोग जो सोच रहे हो वो ऐसे कुछ बात नहीं है. वो जब उसका घर एयरपोर्ट के सामने है ना, तो इसलिए मुझे छोड़ने आए थे बस फैमिली वाले. नॉर्बू टेंशन मत ले, सब हो जाएगा ठीक. लिजेल मेरे को भी देख के रास्ता बदल देती थी. उस लेवल से घर पे अभी मेरे, तो सोच ले. अब तो रास्ता ही नहीं छोड़ती. अब रास्ता. सोचो. तो टेंशन मत ले, हो जाएगा सब. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज. टेक सीट. थैंक यू. आज अनिकेत के मम्मी पापा आए हैं. मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनको अनिकेत का परफॉर्मेंस कैसा लगा? अनिकेत का गुरुकुल बहुत अच्छा लगा और अनिकेत की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी. हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि उसको जो मन चाहिए था वो उसे मिला और जो उसे टीचर चाहिए था वो भी उसे मिला. दैट्स ट्रू. अनिकेत को ऑडिशंस और मेगा ऑडिशंस में देखा ना? हाँ, हाँ. तो कैसा था रिएक्शन? दो ही बार टेलीविज़न पर आया और दो बार टेलीविज़न पर आने के बाद ही लोगों का जो देखने का नज़रिया था ना वो बिल्कुल बदल गया. मतलब? पहले लोग थोड़ा कतराते थे बातें करने से, थोड़ा बसते थे. जैसे कई बार ऐसा था, हमारा जैसे इनकम सोर्स ज़्यादा वो नहीं है ना हमारा. अच्छा, कई बार हमें पैसे बाहर से भी लेने पड़ते थे उधार, तो वो मिलने से कतराते थे कि कहीं दोबारा से कोई अपनी वो ना रख दे कि दोबारा इनका कोई जरूरत हो. अब जब टेलीविजन पे दो बारी परफॉर्मेंस आए तो वही लोग आगे से आके मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. जो रिस्पेक्ट पहले नहीं मिलती थी उस बहुत ज़्यादा मिल रही है. बहुत टाइम बाद हम बहुत ज़्यादा दिल से खुश हुए. आप यहाँ बैठिए. Yeah.
समर्पण तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है 80,000 के जूते 80,000 के रिच किड वाला फील आ रहा है रिच किड वाला रेमो फॉर द हार्ट दैट यू हैव फॉर द हार्ट दैट यू हैव यस थैंक यू सो मच तो रेमो सर वैसे आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर नॉर्बू और सुष्मिता जस्ट फ्रेंड्स हैं लेकिन ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक जस्ट फ्रेंड्स नहीं है हमारे सेट पे दो ऐसे हैं जो जस्ट फ्रेंड्स हैं अच्छा उनके अलावा हाँ कौन है भाई वो दो जन का नाम है टेरेंस एंड गीता गीता या नहीं नहीं हमने ऑडिशन देखा था ऑडिशन में जो जस्ट फ्रेंड्स वाली जो तीनों चीजें चल रही थी एक मिनट थोड़े टाइम के लिए क्या छोड़ देता मैं तुम दोनों को क्या चल रहा है तो सर मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्यों ना आज यहाँ पर 13 जोड़ियाँ हैं हम 15 कर देते हैं यहाँ पर एक जस्ट फ्रेंड्स की और एक रियल फ्रेंड्स की और एक परफॉर्मेंस हो जाए यहाँ पर तो मजा आ जाएगा ये ग्रैंड हो जाएगा एपिसोड एक बार जोरदार ताली हो जाए मैंने ये सोचा था तुम इतने बदल जाओगे तुम इतना मुझे चाहोगे तुम इतना प्यार करोगे तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम कब मैंने ये सोचा था कब मैंने ये जाना था तुम इतने बदल जाओगे तुम इतना मुझे चाहोगे तुम इतना प्यार करोगे तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम ये बात है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.